नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी जन्माष्टमी गई है तो कान्हा जी की छठी मनाना तो बनता ही है। तो इन 6 दिनों में हम एक दिन ठाकुर जी को अजवाइन का भोग भी लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा होता है तो उसके बाद अजवाइन खिलाई जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि अजवाइन कैसे बनाई जाती है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि मैम आप बनाकर बताना जन्माष्टमी पर, लेकिन काफ़ी बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं बना रही हूँ। अगर आप छठी कल कर रहे हैं तो आज अपने ठाकुर जी को ये बनाकर भोग लगा दें, लेकिन छठी से पहले आप इसका भोग जरूर लगा दें, नहीं तो छठी के दिन भी आप अपने ठाकुर जी को इसका भोग लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच अजवाइन को थोड़े से गरम देसी घी में 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। लेकिन जब घरों में बनाई जाती है तो वो 1 महीने पहले अजवाइन को भिगो कर रखते हैं, ताकि उसका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमें तो अभी ताज़ा ही बनानी है, तो मैंने 1 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। 2 से 3 चम्मच है ये। और मैंने लिए हैं बादाम, काजू, नारियल, मखाने, और मीठे के लिए हमें चाहिए खांड या बूरा। तो मैंने काजू के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और बादाम के भी मैं छोटे टुकड़े कर लूँगी, और नारियल को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया, काजू बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप किशमिश भी साथ में ले सकते हैं। ये जो नारियल है इसके मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर इसको मिक्सर जार में थोड़ा मोटा मोटा पीसूंगी। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। गैस ऑन करके हम उस पर रखेंगे कढ़ाई या पैन। घी हम अजवाइन वाला ही लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे काजू बादाम, इन्हें हम हल्का हल्का भूनेंगे। हमें इतना भूनना है कि जो इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, और जब हम इन्हें पीसें तो अच्छे से ये पीस जाए। तो ये अच्छे से भून गए हैं, इनको मैं किसी प्लेट में निकाल दूंगी। फिर उसी पैन में हम मखानों को रोस्ट करेंगे। मखानों के लिए हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर हर चीज़ में घी डालेंगे तो घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किशमिश को आप ऐसे ही रखेंगे, उसको हमें ना तो काटना है ना ही किसी गर्म चीज़ में मिक्स करना है। मखानों को भी हमने अच्छे से भून लिया, इनके अंदर अब सीलापन नहीं है। अब इन सब चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इन्हें पीसेंगे। तो काजू बादाम और मखाने ठंडे हो गए, इन्हें मैंने मिक्सर जार में डाल दिया। अब ये जो नारियल मैंने लिया था इसे मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसे भी मिक्सर जार में डालूँगी। तो जो बचाया हुआ नारियल था उसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर उसे भी मिक्सर जार में डाल दिया। अब मैं इसे पीसूंगी। इसका हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसको हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए, इसे मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा है। नारियल भी थोड़े साबुत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही खाते हैं तो टेस्टी लगता है। तो चलिए अब आगे हमें कैसे बनाना है वो शुरू करते हैं। तो जो काजू बादाम और मखाने हमने रोस्ट किए थे उनको मैंने पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। 6 दिन जहाँ बच्चा पैदा होता है जिस घर में, उस औरत को अनाज नहीं दिया जाता। तो हमारे तो ये दिया जाता है अजवाइन का, जिसमें मैंने आपको बताया ही है कि जैसे आप जो ड्राई फ्रूट है आप इसको ज़्यादा पीस कर रख सकते हैं। अजवाइन तो भिगोई हुई होती है, फिर आप थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाल कर बना सकते हैं जितना आपको खाना हो, और आप उसके अंदर बूरा, शक्कर या जो भी आप खाते हैं वो मिलाकर दे सकते हैं। तो गैस ऑन करके उस पर रखेंगे हम पैन। जो अजवाइन मैंने भिगो कर रखी हुई थी वो मैं 2 चम्मच डाल दूंगी, क्योंकि घी में तो हमने पहले भिगो कर रखी ही हुई है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अजवाइन भी हल्की सी भुन गई है तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट जो हमने पीसे थे।
तो ये आप उतना ही डालें जितना आपको खाना हो, बाकी का आप उठा कर रख दें। अगर बाद में खाना हो तो आप इसमें खीर से बना लें। इसको ज़्यादा बनाकर नहीं रखा जाता, इसको ताज़ा ही बनाकर खाओगे तभी अच्छा लगेगा। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी नारियल जो मैंने कद्दूकस किया था, इसे भी मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर इसमें डालेंगे हम बूरा या खांड, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 से 3 चम्मच। तो ये अजवाइन की पंजीरी या अजवाइन पाक बनकर तैयार है। इसे आप अपने घर में बना सकते हैं, जैसे आपके घर में डिलीवरी हुई है। तो हमारे तो ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो 6 दिन तक अनाज का भोग नहीं लगाया जाता, तो 6 दिन तक हमें ये ही खिलाया जाता है जो अजवाइन मैंने आपको बताई है। 1 महीने पहले बारीक अजवाइन आती है जो स्पेशल मिलती है, वो बहुत ही बारीक होती है। उसे पहले धोकर साफ करके सुखाते हैं, फिर उसे देसी घी में भिगोया जाता है ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। तो मैंने तो आपको ताज़ा भिगोकर ही बताई है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप जो ड्राई फ्रूट मैंने आपको बताया है ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर इसको रोस्ट करके पीस कर रख दें, और अजवाइन भी ज़्यादा भिगोकर पहले दिन ही रख दें ताकि 6 दिन आप अगर खिलानी हो तो आप 6 दिन लगातार खिला सकें। फिर आप जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें और बनाएं, तो आप देखेंगे कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। जब डिलीवरी होके चुकी होती है तो कुछ खाया नहीं जाता अच्छे से, लेकिन जब आप ये खाने को देंगे तो इसे आप दूध के साथ खाने को देंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, और जिसे आप खाने को दे रहे हैं वो बड़ी आसानी से खाई जाएगी। और जो नारियल के हमने थोड़े मोटे मोटे पीसेस रखे हैं, इसका कारण ये है कि डिलीवरी के बाद कहते हैं कि जो दांत हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जब वो इन नारियल को चबा चबा कर खाएंगे तो जो दांत है वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताई। तो अभी ये अजवाइन पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको बताया इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप कितनी भी क्वांटिटी में बना लें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से बनाएं और अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद आप इसे खुद खाकर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो वाकई में बड़ी ही टेस्टी बनी है। इसे आप सर्दियों में भी बना सकते हैं अपने घर में, क्योंकि सर्दियों में जो अजवाइन होती है वो गैस, जैसे घुटनों में दर्द है, उन सब के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसे आप सर्दियों में बनाकर वैसे भी खा सकते हैं। तो आप छठी से पहले या छठी के दिन अपने ठाकुर जी को इसका भोग ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी और आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।